हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे किचन में। और आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बथुए का रायता। और दोस्तों, बथुए का रायता कैसे बनता है वो मैं आपसे बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आपसे हम कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों, सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और जो साइड वाली घंटी है उसे भी दबा दीजिए, ताकि आपको हमारी नई नई रेसिपी देखने को मिल जाया करेगी। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमें लाइक करना और कमेंट में ज़रूर बताना कैसी लगी हमारी रेसिपी। तो चलते हैं, वीडियो शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमने इसको बथुए को अच्छे से साफ़ कर लिया है। इसके अंदर का घास और जो कचरा होता है वो सब निकाल दिया है। और इस तरह का जो इसके नीचे की डांट होती है वो हमने तोड़कर इसे यहाँ से अलग कर लिया है। और जो इसकी बराबर का होता है ये भी हमने सब निकाल लिया है। जैसे यह होता है बराबर बराबर वाला, ये भी सब निकाल लिया है हमने। और देखिए, बिल्कुल एक खाली डांट रह गई है, इसे हमने साइड में रख दिया है और खाली बथुआ हमने ले लिया है। बथुआ को आप इसी तरह तोड़ना है आपको, ऊपर ऊपर की साइड का कच्चिया कच्चिया सा। और दोस्तों, चलते हैं, इसे अब हम पानी में धोकर वॉश कर लेते हैं। हमने ये बथुए को अच्छे से पानी में धोकर वॉश करके और हमने एक भगोने में ये रख दिया है। और इस भगोने में रखने के बाद अब इसमें डालेंगे हम पानी, आधी किलो पानी डालेंगे। हमारा एक किलो बथुआ है यहाँ पर, आधी किलो हमने इसमें पानी डाल दिया है दोस्तों। और अगर आपको कम लगे तो आप और भी ज़्यादा इसमें पानी डाल सकते हो। और दोस्तों, हम आपको बता दें, हमने बथुआ बिल्कुल भी काटा नहीं है, बस जैसा हमने साफ़ किया था वैसा का वैसा ही है। जो का तो साबुत का साबुत हमें ये भगोने में चढ़ा देना है। और चलिए, अब इसे हम गैस पर रख के पका लेते हैं। हमने गैस पर चढ़ा दिया है और गैस को ऑन कर दिया है दोस्तों। और गैस हमारा हाई फ्लेम पर है, यानी हाई स्पीड गैस पर है। इसमें कोई भी चीज़ नहीं डालनी है, ना कोई मसाला, ना कोई और चीज़, ना नमक, कुछ भी नहीं डालना है। बस इसे हमें इसी तरह ढक देना है, ठीक है दोस्तों। अब हमने ये ढक दिया है, ठीक है, थोड़ा ढक देते हैं, थोड़ा खोल देते हैं, क्योंकि अगर ये उबलेगा तो बाहर नहीं आएगा। तो इसका ध्यान रखना है, ये उबल कर बाहर ना निकल जाए इसका पानी, बस ये ख्याल रखना है आपको। तो चलिए, इसे पकने देते हैं, अच्छे से गल जाए। देख सकते हो हमारा जो बथुआ था अच्छे से ये पक गया है, यानी गल गया है। मैं आपको दिखा देती हूँ, जो इसकी वो है ना, जो डांट है इसकी, देखो कितना अच्छा हो गया है, एकदम टूट टूट के जा रहा है, बहुत ही अच्छा बन चुका है ये। देखिए देखिए इस तरह से, तो ये बथुआ बनकर तैयार हो गया है, यानी उबल गया है। इसे हम साइड में करते हैं। अब हम यहाँ पर एक भगोना लेंगे। इस भगोने में हमने यहाँ पर 1.5 किलो दही लिया है और दही को हम इसमें डाल देंगे। अब हम एक मिक्सर लेंगे, दही को इसमें डालने के बाद इसे अच्छे से इस मिक्सर से हम अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। यानी इस तरह मिक्स करते करते ये बारीक हो जाएगी, बिल्कुल एकदम लस्सी की तरह, जिसे छा हो जाती है इस तरह। अब देखिए, हमने ये अच्छे से मिक्स कर लिया है और दही हमारी एकदम बारीक सी हो गई है। अब इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे पानी, जिससे थोड़ा पतला सा हो जाए। हमने पानी यहाँ पर डाला है 2 गिलास के लगभग, यानी आधे किलो पानी हम इसमें डाल चुके हैं। अब बिल्कुल एकदम छाए की तरह हो चुकी है, थोड़ी गाढ़ी अच्छी सी हो गई है। देखिए, इसे भी हम साइड में करेंगे छाए को अपनी। और ये जो बथुआ है हमारा, हम इसे पीस लेते हैं बारीक करके। आप चाहे सिल की मदद से पीसिए, आप चाहे मशीन की मदद से पीसिए। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे पीस लेंगे। अब आप देख सकते हो हमारा बथुआ पीस कर तैयार हो गया है, इसे साइड में कर लेंगे। अब देखिए, हमने यहाँ पर मिर्च ली है, थोड़ी सी हरी मिर्च ली है और थोड़ी लहसुन की कलियाँ ली हैं। और दोस्तों, हम आपको बता दें, यहाँ पर हमें लाल मिर्च नहीं डालनी है। यह हम जो हैं बथुए का रायता बनाने जा रहे हैं, इसमें लाल मिर्च अच्छी नहीं लगेगी, तो इसलिए हमें हरी मिर्च ही लेनी है। और ये हमने यहाँ पर थोड़ी सी कलियाँ ली है लहसुन की, और हमने यहाँ पर थोड़ा नमक लिया है, और नमक के साथ साथ यहाँ पर लिया है हरा धनिया पत्ता, और जो हमने धोकर अच्छे से वॉश कर लिया था। अब इन सबको अच्छे से पीस कर हम बारीक कर लेते हैं। अब आप देख सकते हो, हमने जो हरी मिर्चों की चटनी है अच्छे से बनाकर तैयार कर ली है। अब हम आपको बताते हैं, साइड में कर लेते हैं। और जो हमारी दही है, हम इस दही में हम यहाँ पर पिसा हुआ बथुआ डाल देंगे। पिसा हुआ बथुआ डाल दिया है, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लिया है, और अब हम जो चटनी है हमारी, चटनी डालेंगे अपने स्वाद अनुसार। जितनी आपको तीखी खानी है इतनी आपको चटनी मिलानी है। मैंने यहाँ पर 2.5 चम्मच डाल दिया है, बड़ा 2.5 चम्मच डाला है। इसे मिक्स कर लेंगे। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, मिक्स कर लेंगे। इसे यहाँ पर ढकेंगे,
और चलिए अब इसका छोंक जो है था वो तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर एक फ्राई पैन लिया है, गैस को ऑन कर दिया है और इसमें अब हम डालते हैं यहाँ पर देसी तेल। आपको रिफाइंड नहीं डालना है दोस्तों, देसी तेल का ही इस्तेमाल करना है क्योंकि हमारा रायता देसी तेल से और भी ज़्यादा टेस्ट दोस्तों बन जाता आप है। देख सकते हो तेल हमारा बहुत ही अच्छा हो गया है, पूरा तेज हो गया है। हमने यहाँ पर जीरा लिया है एक चम्मच और ये हम इसमें डाल देंगे। और हमने यहाँ छोटा बड़ा चार पत्ता तेज का लिया है, तेज पत्ता इसे भी हम इसमें डाल देंगे। देखिए अब हमारा तड़का हो गया है तैयार, एकदम बहुत ही अच्छा हो गया है। गैस को यहाँ कर देते हैं बंद और मैं आपको दिखा दूँ कितना अच्छा जीरा हमारा हो गया है, एकदम बेहतरीन वाला। अब चलिए इसे तड़के को हम अपने रायते में डाल लेंगे। यहाँ से इस तरह ढक्कन खोलेंगे, एकदम झट देसी इसमें डाल देंगे तड़का। ढक देते हैं इसको, अच्छे से हिला लेते हैं पकड़ के इस तरह, जो हमारा रायता है उसमें अच्छे से खुशबू मिल जाए, इसकी पूरी जो महक है ये अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाएगी। अब देखिए हमने ये अच्छे से इसमें तड़का देकर मिक्स कर लिया है और आप देख सकते हो वाओ प्यारा तड़का बन गया है ना दोस्तों। और दोस्तों तेजपत्ता रायते में नहीं गिरता है, लेकिन क्या है ना बथुए का रायता है तो इसलिए हमें ये तेजपत्ता इसमें डालना पड़ा है। और दोस्तों आप भी कोशिश कीजिए तेजपत्ता ज़रूर डालिए, इससे जो है ना और भी ज़्यादा टेस्ट हमारे बथुए के रायते में आ जाता है। तो चलिए हम आपको रेसिपी बना कर दिखा। दोस्तों देख सकते हो आप हमारा रायता बनकर एकदम तैयार है, बड़ा प्यारा रायता बना है दोस्तों। प्लीज़ इसकी एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आप इसे एक बार बनाकर खाओगे तो दोस्तों इसे बार बार बनाने की कोशिश करोगे, इतना प्यारा टेस्टी हमारा रायता बनकर तैयार हो गया है। दोस्तों मैं आपको दिखा देती हूँ कितना खूबसूरत और सुंदर सा रायता बनकर तैयार हुआ है दोस्तों। देखिए वाओ है ना दोस्तों, प्यारा और खूबसूरत बिल्कुल एकदम, जितना देखने में अच्छा लग रहा है दोस्तों उससे भी कहीं ज़्यादा ये टेस्टी खाने में लगता है। दोस्तों अगर आप इसे एक बार बनाओगे तो मैं उम्मीद करती हूँ आप इसे बार बार बनाकर खाना चाहोगे। तो दोस्तों चलिए चलते हैं और मिलते हैं अगली एक और नई रेसिपी, चलते हैं, खुदा हाफिज़।